राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ में मारपीट करने के आरोप में विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। विभव कुमार की अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद खास बताए जाते हैं, उनके ये पीएसपी बताए जाते हैं और पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। जिस तरह से 13 मई की को दो जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ में मारपीट करने का एक आरोप लगा था, इस मामले में स्वाति मालीवाल के द्वारा दिल्ली पुलिस के सामने इस मामले में लिखित तौर पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी और उसी लिखित शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस इस मामले को तफ्तीश कर रही थी और जिस तरह से इस मामले में बाद में FIR भी रजिस्टर्ड किया गया और FIR रजिस्टर्ड करने के बाद विभव कुमार को ढूंढा जा रहा था, तलाशा जा रहा था और आखिरकार बाद में जिस तरह से आज विभव कुमार को पहले हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद तमाम औपचारिक गिरफ्तारी की जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरा किया गया और उसके बाद जिस तरह से इस मामले में आगे तफ्तीश की जाएगी कि स्वाति मालीवाल के द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई है उस मामले की बुनियाद क्या रही है, किस तरह से मामला सामने आया था, क्या वाकई में विभव कुमार और स्वाति मालीवाल के बीच में अनबन हुई थी, गाली गलौज हुआ था, क्या जिस तरह से बकायदा आरोप लगाए गए कि विभव कुमार के द्वारा से स्वाति मालीवाल को जान से मारने की धमकी दी गई, तो इस मामले पर सच्चाई क्या है, इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश किया जाएगा। हालांकि फिलहाल तो कहना लाजमी होगा कि विभव कुमार की जो मुश्किलें हैं आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती हैं और आने वाले दिनों में इस मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर सकती है। शंकर आनंद, न्यूज 18।